नूरपुर में ऑल इंडिया गुज्जर महासभा द्वारा लोधावा में विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऑल इंडिया गुज्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी मजाहिर राणा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम के शुरुआत में पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई और दो मिनट का मौन भी रखा गया। कश्मीर के अंदर आज तक जितना भी आतंकवाद रहा है उसमें हमारी कौम का, हमारे खानदान का कोई भी व्यक्ति उसमें नहीं है, ये कहना है ऑल इंडिया गुज्जर महासभा के अध्यक्ष चौधरी मजाहिर राणा का। उन्होंने कहा कि हम पूर्ण रूप से भारत के साथ हैं, भारतवासी हैं, भारत माता के साथ हैं और भारत की धरती से हम प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि पुलवामा में जो घटना हुई है उससे उनका, उनके खानदान या फिर उनके लोगों का कोई भी हाथ नहीं है। वे देश के अंदर रहने वाले तमाम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं और इस घटना को अपनी आत्मा से जोड़कर देखने का काम कर रहे हैं कि ये घटना बहुत बड़ी त्रासदी है और हम सबको कुछ सरफरे लोगों के बहकावे में ना आकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं करने वाले लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, मजहब से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उन लोगों की इस्लाम के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि वे इस दुख की घड़ी में शहीद सैनिकों और उनके परिवार वालों के साथ खड़े हैं। वहाँ के अंदर जो घटना हुई है, हम गुजर बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, मुस्लिम गुजर बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। कश्मीर के अंदर जितना भी आज तक आतंकवाद रहा है, हमारी कौम का, हमारे खानदान का कोई आदमी उसमें कभी मुबल्लिस किसी तरीके से नहीं पाया गया। हम प्योर रूप से भारत के साथ हैं, भारतवासी हैं, भारत माता के साथ हैं, भारत की धरती से हम प्यार करते हैं। पुलवामा में जो घटना हुई है, हमने और हमारे पूरे खानदान ने, पूरे देश के अंदर रहने वाले तमाम लोगों ने इसकी भर्त्सना करते हैं, इसको कंडम करते हैं और इस घटना को हम अपनी आत्मा से जोड़ करके देखने का काम कर रहे हैं कि ये घटना बहुत त्रासदी है हमारे सामने, कि कुछ सरफिरे लोग जो बहकावे में आ करके इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। वो लोग इस्लाम को बदनाम करने के लिए, इस्लाम के अंदर उन लोगों की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम उनके परिवारों के साथ, उन नौजवानों के साथ, उनके पूरे परिवार के साथ हमारी संवेदना है। हम पूरी तरीके से उनके साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी के अंदर। हम देश के साथ साथ जहां और लोग खड़े हैं, ये पूरा खानदान भी उनके साथ इस पर खड़ा हुआ है। वहीं गुज्जर महासभा के संयोजक चौधरी हरसिंह दीन ने पुलवामा हमले को लेकर कहा कि पूरे हिंदुस्तान में सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, खासकर मुस्लिम गुज्जर समुदाय ने पूर्ण रूप से इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि हम ये कहते हैं कि भारत हमारा घर है, हमारे सैनिक हमारे घर के रक्षक हैं, उन पर उंगली उठाना, हथियार उठाना वो हमारे दुश्मन हैं। उन्होंने भारत सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार को ऐसी एजेंसियां जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ताकि पाकिस्तान दोबारा ऐसी हिम्मत ना करे। पुलवामा में शहीद हुए हैं वीर जवान, उनके बारे में आपका क्या कहना है? पूरे हिंदुस्तान में सभी मुस्लिम समुदाय ने और खास करके मुस्लिम गुज्जर समुदाय ने जो है पुलवामा में जो आतंकी घटना हुई है, जो वहाँ पे हमारे नौजवानों को शहीद किया गया है, जो ये जहलाना कातलाना काम किया गया है जिन भी शक्तियों के द्वारा, उसका हमने पूर्ण रूप से विरोध किया है और उसका हम खंडन करते हैं, विरोध करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। और हम ये कहते हैं कि ये हमारा घर है, हमारा देश हमारा घर है, हमारे जो सैनिक है वो हमारे घर के रक्षक हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके ऊपर जो उंगली उठाएगा, उनके ऊपर जो हथियार उठाएगा वो हमारा दुश्मन है, हम उसके दुश्मन हैं। और हम पूरी कम्युनिटी जो है वो अपने देश की सरकार के साथ, अपने देश की सेना के साथ खड़े हैं और हम उनको यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे आज के कार्यक्रम में। उनके लिए यहाँ शोक सभा का आयोजन भी किया जाएगा और हम उनके परिवारों को ये कहना चाहते हैं कि आपने अपने बच्चों को खोया है, हमारी पूरी सहानुभूति पूरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। पूरे देश का मुसलमान, पूरे देश का गुज्जर जो समाज है वो अपने देश के साथ है, अपनी देश की सेना के साथ है और हम ये डिमांड करते हैं भारत सरकार से कि इसके लिए जो भी एजेंसीज जिम्मेवार हैं उनको बैन किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और पाकिस्तान को जो है इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए ताकि दोबारा वो ऐसी जो है कायराना हरकत करने की हिम्मत ना करें। क्योंकि हम जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, एकजुट होकर के नहीं लड़ेंगे, तब तक जो विरोधी ताकतें हैं वो हमें तोड़ने के लिए, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कार्य करती रहेंगी। हम फिर एक बार जो है पुलवामा में शहीद हुए नौजवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवारों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। एच टुडे के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।